हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो माय डियर पेरेंट्स, इंग्लिश इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी फेज ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन, आइदर SBI और IBPS, आइदर क्लरिकल और PO एग्जाम। चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन हो, या आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, या फिर आपका GD हो, ग्रुप डिस्कशन, हर जगह आपको इंग्लिश का एक मेजर रोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, गलती हमारी कहाँ पर होती है कि इंग्लिश में हमारी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हमको ना ऑप्शंस कई बार सिमिलर से फील होते हैं एंड वी फील अनसर्टेन अबाउट मोर देन वन ऑप्शन, और हम क्या गलती कर देते हैं कि जो हमें सही होता है ऑप्शन, उसको ना टिक करके दूसरा वाला टिक कर देते हैं, एंड हमारी सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में ही इस तरीके से देखने को मिलती है। ये चीज आपका क्वांट और रीजनिंग में कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेयरली ही होगा कि उसमें गलत हो, क्योंकि उसमें तो हम पूरा सॉल्व करते हैं ना, हमारा आंसर आएगा तभी तो हम टिक करेंगे, तो उसमें रेयरली ये चीज होती है। बट इंग्लिश में हमारी बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट, देर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनके लिए इंग्लिश इज द ईजिएस्ट वन ऑफ ऑल द सेक्शंस। ठीक है, चाहे वो PO हो या क्लर्क एग्जाम हो, दे कम विथ फ्लाइंग कलर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, एट फर्स्ट आई ऑल्सो फेल इन द फर्स्ट कैटेगरी, लेकिन ग्रेजुअली अब एक ऐसा टाइम आया है ना कि एफर्टलेसली अब अच्छे मार्क्स आते हैं। अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे, है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, अब जो किया पहले किया, अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन अब मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपको क्या चीज़ें वो ऐसी करनी है कि एक टाइम पर आपका बेस्ट हो जाएगा इंग्लिश सेक्शन, जो कि आपको बहुत ज्यादा स्कोरिंग लगेगा, चाहे वो मेंस एग्जाम हो, बाकी सारे सेक्शन टफ लग रहे हो आपको, लेकिन इंग्लिश जो है ना आपका स्कोर को मैक्सिमाइज कर देगा, है ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज साबिया हियर वर्किंग एज एन RRBPO, वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू एंड स्टे कनेक्टेड टिल योर ज्वाइनिंग, जब तक आप सिलेक्शन ना ले लें, और जो कि हमको इस साल करना ही करना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग हेयर विल बी रीडिंग। हमेशा मैंने आपको बोला है, इंग्लिश की प्रिपरेशन को आप तीन चीज़ों में बांट लीजिए। एक है आपका रीडिंग, दूसरा है वोकैब, और तीसरा है ग्रामर। इससे बाहर इंग्लिश की प्रिपरेशन आपके लिए नहीं जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। रीडिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द सेक्शंस, जो आपको मेन्स में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, ये रीडिंग पार्ट। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना, ग्रेजुअली हम कहाँ पर इंप्रूव होते हैं, इसी सेक्शन में इंप्रूव होते हैं। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे ना, तो आपको कई बार कुछ एक आध वोकैब भी नहीं भी आता है ना, तो भी हम अपने रीडिंग स्किल्स से चीजों को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। जितना आप रीड करेंगे, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उतना ही आप अच्छे मार्क्स यहां पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, रीड एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। आप स्टार्ट करिए नॉवेल से, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से, आपको जो अच्छा लगे। स्टोरी बुक्स भी इवन आप रीड कर सकते हैं, बट आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लेकिन फिर आप ग्रेजुअली एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पर आपको द हिंदू के आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल्स, आपको सब कुछ नहीं पढ़ने बोल रहे हो, आपको क्या पढ़ने बोल रहे हो, द हिंदू का एडिटोरियल, या किसी भी न्यूज़पेपर का, द इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ सकते हैं। तो एडिटोरियल आप रीड करने की हैबिट स्टार्ट करिए। ठीक है, वो वहाँ पे जो लैंग्वेज होती है ना, कई बार डायरेक्टली पैसेजेस जो आते हैं इंग्लिश में, वो डायरेक्टली न्यूज़ आर्टिकल्स ही ये एडिटोरियल वगैरह के उठ के आ जाते हैं। तो आप ये जो आपका एक फ्लो बनेगा ना, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया, या जो भी न्यूज़ चल रहे हैं रिसेंट में, इससे रिलेटेड कई बार डायरेक्टली वहाँ पर आ जाता है। तो कुछ टर्म्स ना आपको वहाँ पे वोकैब में हेल्प करेंगे। एडिटोरियल आपको हर तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, किस तरीके से? आपको यहाँ पर प्री मेंस में तो हेल्प होगी ही, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प होगी, आपके SBI PO और IBPS PO में, फाइनली इंटरव्यू में बहुत सारी हेल्प होगी, क्योंकि जो टॉपिक्स के बारे में, समझ लीजिए इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, तो आप रेगुलरली अगर आर्टिकल्स एडिटोरियल के पढ़ रहे हैं, तो आपका एक ओपिनियन डेवलप होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको रिपीटेडली बोली हुई है, अगर आप एक रेगुलर व्यूअर होंगे ना, तो आपको ये लाइंस जो है ना, बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ। ओके, और आपके ग्रुप डिस्कशन वगैरह में हेल्प होगी। एडिटोरियल जो है बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, इसको आप स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका रीडिंग जो है, कहीं नहीं जाना आपको, इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या होता है, इससे आपका ना एरर फाइंडिंग स्किल्स जो है ना, वो डेवलप होती हैं, क्योंकि आप हर दिन कुछ चीज़ें रीड कर रहे हैं, तो आप अगर एक्स्ट्रा ग्रामर रूल्स भी कहीं पर नहीं जान रहे हैं ना, तो भी आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें पढ़कर ही ऐसी लगने लगती है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलती है ना। जो वर्ड्स वहाँ से मिलेंगे आपको, कुछ अगर आपको नया लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जिसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसको लिखिए, निकाल कर उसमें से एक जगह पर नोट डाउन करिए, और उसका फिर मीनिंग, उसकी मीनिंग सर्च करके उसको भी वहाँ पर नोट डाउन
काम करिए, खुद के सेंटेंसेस फ्रेम करने की कोशिश करिए और धीरे धीरे ग्रेजुअली ना उसको अपने यूज़ में लाइए। कहीं पर कुछ लिख रहे हैं तो उसको उसमें यूज़ में लाने की कोशिश करिए, तभी आपको उन वर्ड्स के मीनिंग हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है रीडिंग के लिए। दूसरी चीज़ आती है हमारी यहाँ पर वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब के वर्ड्स आप फाइंड आउट करके मीनिंग उनके और लिख करके रखिए, यहाँ से आपकी एक वोकैबुलरी मेंटेन होती रहेगी। दूसरी एक चीज़ मैंने एक बार और पहले दिखाया था, अपना नोट्स मैंने दिखाया था, अपनी डायरी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से मैंने अपने साथ एक चैलेंज लेकर के वोकैब प्रोडिजी की बुक को मैं यूज़ करके किस तरीके से अपनी वोकैब मैंने एनहेंस की थी। मुझे कोई एग्जाम नहीं देना लेकिन फिर भी मैंने अपनी वोकैब को इस समय पर एनहेंस किया था। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट वोकैब प्रोडिजी बाय निमिषा बंसल मैम। ये बुक मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, इस तरीके से मैंने आपको तब भी बताया हुआ था कि ये जो चैप्टर्स है ना, इसको मैंने एक टारगेट के रूप में सेट कर लिया था कि मुझे इतना इतना हर दिन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, चैप्टर वन है लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स। ठीक है, 220 यहाँ पर 220 रूट वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो एक रूट हों दूसरे वर्ड्स के लिए, एक ऐसा रूट वर्ड जिससे कि बहुत सारे वर्ड्स बनते हों, है ना। तो एग्जांपल के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने ये टारगेट बना लिया कि मुझे 20 वर्ड हर दिन करने हैं। ठीक है, तो 220 हैं तो 11 डेज में फिनिश हो जाएंगे। इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है। 20 वर्ड्स डेली याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ना, तो अगर आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, है ना। तो बहुत ईजिली ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। एंड समझ लीजिए कि जी ये एंटी है ना, बिफोर जिसका मतलब है, तो एंटीक्विटी हो गया या एंटीसिडेंट हो गया या एंटीरियर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो ऐसे सभी वर्ड्स का मतलब आप अपने आप गैस कर पाएंगे। अगर आपको पूरा मतलब नहीं भी पता होगा तो भी आपको अगर ये रूट वर्ड्स पता है ना, जिससे इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स बनते हैं, तो ये रूट वर्ड्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स, जो कि मैंने हर दिन का टारगेट बनाया था 200। आपको 200 सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट जैसे हमने ये रूट वर्ड्स देखे ना, उसी का बनाया हुआ जो मेन ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो वहाँ पे हैं, तो उसको पढ़ना बहुत आसान है 200 पर डे, है ना। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से, देखिए जैसे क्लूड है तो सेक्ल्यूशन, क्लॉइस्टर्ड, क्लस्टर, रेक्ल्यूसिव, क्लॉस्ट्रोफोबिया, सेक्ल्यूड, इस तरीके से वर्ड्स हैं और उसके अंदर उसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। तो आपको अगर एक वर्ड भी आप पढ़ रहे हैं तो उससे ही 3-4 वर्ड बने हुए हैं। एक वर्ड आप सेक्ल्यूड पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही आइसोलेट, हाइड, कंसील, सेक्वेस्टर, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स आपके यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे और आप अपना टारगेट कम भी रख सकते हैं, लेकिन ईजिली 1-2 महीने में आपका इंग्लिश जो है ना वो बेस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर सकते हैं अगर आपने ये बुक कंप्लीट कर ली तो। उसी तरीके से है मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, क्योंकि इसी टाइप की वोकैबुलरी आपको बार बार एक एक्चुअल एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखेगी। तो ये मैंने 40 पर डे का टारगेट बनाया था, फिर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, फिर मैंने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी थी लेकिन आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए इतने सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल रहे हैं जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स। और मैंने किस चीज़ का टारगेट बनाया था, इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है ना, उसके भी ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे मेरी हुआ करती थी एक टाइम पर, कि एक लेवल तक मैं आ चुकी थी कि ग्रामर वगैरह में कभी गलती नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर इडियम्स आ गया कहीं पर, फ्रेज मेरा उसका प्रिपरेशन था ही नहीं, तो कैसे मैं आंसर कर पाऊंगी कोई फ्रेजल वर्ब अगर आ गया, है ना। पुट डाउन, पुट ऑन, कैरी ओवर, चेक विथ, चेक थ्रू, च्यू ऑन, इस तरीके से हम कैसे बता पाएंगे जब हमको हमने पढ़ा ही नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कुछ लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस होती है इंग्लिश में। नहीं आया तो ठीक है, लेकिन समझ लीजिए प्री में 5 क्वेश्चंस फ्रेजल वर्ब से ही आ गए या इडियम्स एंड फ्रेजेस से आ गए, तो मतलब आपके पूरे 5 मार्क्स गॉन। ठीक है, तो हमको साइड बाय साइड इनकी प्रिपरेशन भी करनी होती है, ठीक है, जो कि कई बार हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वो मैंने 1 पेज पर डे लिख लिया था, है ना, लगभग 25 पेजेस थे, तो 1 पेज अगर हम हर दिन करेंगे 25 पेजेस में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से पूरा इडियम्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल 1 पेज आपको हर दिन पढ़ना है। और आपको लग रहा है कि हाँ मुश्किल होगी, लेकिन हर दिन जब आप 1 पेज पढ़ेंगे ना तो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। कुछ वर्ड्स जो है ना, जैसे अबाउंड, वो विथ के साथ ही लगेगा, एब्जॉल्व वो फ्रॉम के साथ ही लगेगा, है ना, एब्सटेन तो वो फ्रॉम के साथ ही लगेगा, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, इससे कई सारी आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी हर दिन 1 पेज भी पढ़ लेंगे तो इनफ है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर्स जो मैंने टिक किया हुआ है ना, यही मैं करती थी। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे तो मैंने अपने नोट्स भी यहाँ पर बनाए हुए हैं।
बहुत बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होगा जब आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा ना, और कितना ज़्यादा, एक महीने का टाइम लगेगा और इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा। बहुत अच्छी बुक है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसको आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं ग्रामर पे। तो ग्रामर पे मैंने आपको पहले ही बोल चुका है, अगर आप एक बेसिक ग्रामर थोड़े बहुत जानते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो है, ठीक है। या तो अगर आपके पास निमिषा मैम की बुक होगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की, वो भी ठीक है। अगर नहीं है तो उनकी एक वीडियो है, बहुत एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो है, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके जैसे 20 मिनट्स देख लिया, फिर नेक्स्ट डे 20 मिनट्स देख लिया, इस तरीके की अपनी एक हैबिट बना लीजिए और उस वीडियो को कवर कर लीजिए। उस वीडियो में पूरे मेन इंपॉर्टेंट रूल्स जो है ना वहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। उसके बाद सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए, एक बार आपने ये रूल्स देख लिए तो। और अगर आपको बिल्कुल ग्रामर नहीं आती है तो पहले तो आप ग्रामर को अच्छे से देखिए, पहले सिलेबस जाकर कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आते हैं, उसके बाद आप जाकर के पूरा लाइन से वही सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है। अगर आप बुक से प्रिपेयर करेंगे तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने आपको बता दिया, वरना वीडियोस भी निमिषा मैम के चैनल पे अवेलेबल हैं, ठीक है। कि मैंने आपको क्या बोला कि आपको सबसे ज़्यादा करनी है प्रैक्टिस। कई बार बोला है कि बहुत ही अच्छी है कोई यूट्यूब चैनल, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, जिसके भरोसे आप बिल्कुल बैठ जाएंगे तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। चाहे इंग्लिश हो या क्वांट हो या रीजनिंग हो, एट द एंड वी आर हियर टू प्रैक्टिस, ठीक है। वी आर हियर जिसको प्रैक्टिस करना है तो आपको बेस्ट अपनी प्रैक्टिस करनी है। देखिए अड्डा 247 के क्विजेस आप फ्री ऐप में फ्रीली आपको क्विजेस बहुत सारे मिल जाते हैं, हर दिन उसमें 5-7 क्विजेस डलते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डलते हैं, उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आप हर दिन अपनी एक हैबिट बनाइए ना कि चलते फिरते उन क्विजेस को सॉल्व करिए, ठीक है। उससे आपका एक डेवलपमेंट, आपको एक बार में समझ में नहीं आता लेकिन एक एनहैंसमेंट जो है ना आपका, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मॉक्स, तो मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्री के मॉक्स, मेंस के मॉक्स से ही इंग्लिश सेक्शन की बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं ना वो मॉक्स से अच्छे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी मॉक से करिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से रेगुलरली करिए। आपके पास अगर 2020 के, 21 के, 22 के मॉक टेस्ट है तो उनको वेस्ट मत जाने दीजिए, उनसे बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मेंस के मॉक टेस्ट हम ले तो लेते हैं, यूज़ नहीं हो पाते हैं, उनको यूज़ करिए। कैसे यूज़ करेंगे, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उसमें उसको सॉल्व करिए, ठीक है। जो पैसेजेस वगैरह होते हैं मेंस के, वो वहाँ पे बेस्ट रहते हैं क्वेश्चंस के रूप में, तो उनको वहाँ से प्रैक्टिस करिए। सो दैट वाज ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ गेन किया होगा आपने। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ लीजिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।